Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. I hope you all are doing great. So if you're new here, then please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. So आज की वीडियो काफी ज्यादा रैंडम वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लिप बाम और लिप टिंट्स के बारे में. लाइक लिप बाम कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है these days. So इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. So yeah, without further ado, let's quickly jump to the video. So सबसे पहले बात करते हैं basic lip balm की. So वो है ये. I know कि बहुत सारे लोगों ने Vaseline use किया होगा and मैं बहुत time पहले से, जब मैं school में थी तब से Vaseline use करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम Vaseline करता है मेरे lips पर वो अभी तक किसी भी lip balm ने नहीं किया है. Lip balm के forms change हो गए हैं. Like lip balm आया, then फिर फ्रेग्रेंस वाले लिप बाम आए एंड नाउ टिंटेड लिप बाम आए एंड उसके बाद अब पीएच वाले लिप बाम भी आ रहे हैं मार्केट में, जो कि क्लेम करते हैं कि आपके लिप्स से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेंगे, लिप्स को 12 आवर्स 24 आवर्स हाइड्रेशन देंगे. सो अभी तक जो मेरा मोस्ट फेवरेट लिप बाम रहा है वो ये वैसलिन रहा है. तो सो या 10/10 इस वैसलिन की डिब्बे के लिए क्योंकि ये एफर्टलेसली वर्क करता है विदाउट एनी फ्रेग्रेंस. नेक्स्ट है ये. सो ये है मामाअर्थ का नरिशिंग टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम विथ विटामिन ई एंड स्ट्रॉबेरी. सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है एंड अंदर से मैं दिखा देती हूँ ये इस तरीके का टिंटेड लिप बाम है. इसे अप्लाई करने के बाद हल्का सा टिंट आपके लिप्स पर देखने को मिल जाता है एंड ऑल्सो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस है. बट मैं मुझे खास पसंद नहीं आया. आई डोंट नो वाई. ये लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट नहीं करता. थोड़ी सी टिंट प्रोवाइड करता है, वो भी अगर आपने पानी या कॉफ़ी पिया तो डेफिनेटली हट जाता है. तो ये इतना खास वर्क नहीं करता, इसीलिए अभी तक इतना है. मैंने इसको एक्चुअली ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं. सो बाय द वे, सभी प्रोडक्ट का प्राइस मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो इफ़ आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का लिंक चेक कर सकते हैं. देन ये अभी दो रिसीव हुए थे मुझे, मूडी के टिंटेड लिप बाम. ये विटामिन सी लिप बाम है. सो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ. सो सबसे पहले है ये चेरी पिंक यहाँ पर मैंशन है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन सी SPF 15 लिप्स स्क्रीन बाम. ओके, सो यहाँ पर इन्होंने सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर दिया आपको 15%. लेट्स सी, पैकेजिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. लाइक बहुत टाइम पहले, आज से थोड़े टाइम पहले, इसी तरीके के ना लिप टिंट आते थे खोलने वाले. सो ये कुछ इस तरीके का है एंड यस, इसके अंदर भी टिंट है, आप देख सकते हैं. एंड बट ये पता नहीं अजीब तरीके से कैसे मेल्ट हो जाता है. लाइक थोड़ा सा चिपचिपा है एंड ये भी स्टे नहीं करता लिप्स पर. टिंट तो प्रोवाइड करता है बट उतना खास वर्क नहीं करता. लाइक इसको अप्लाई करने के बहुत कम टाइम के अंदर मेरी लिप्स ड्राई हो जाते हैं. लाइक इसको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है. सो ये चेरी पिंक कलर का शेड आप देख सकते हैं. चोको ब्राउन नेक्स्ट है ये चोको ब्राउन लिप टिंट, अगेन मूडी का. सो ये आपको कुछ इस तरीके का ब्राउन टिंट आपको मिल जाता है. लाइक यहाँ पर मैं अगर अप्लाई करूँ तो एंड इसके अंदर बड़ी वियर्ड सी स्मेल है. आई डोंट नो, चॉको की तो स्मेल नहीं है डेफिनेटली. ये वर्क करता है बट उतना खास नहीं मुझे पसंद आया ये टिंटेड लिप बाम मोडी का. मतलब मुझे पसंद नहीं आया उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत वर्क करता है, दैट्स इट. नेक्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का प्लम्प अप वेट ग्लॉस, टिंटेड लिप ग्लॉस है गाइज. ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है एंड काफ़ी लिप्स को प्लम्प एंड ग्लॉसी बनाता है डेफिनेटली. एंड इसके अंदर बहुत शीयर सा टिंट है एंड अच्छे से वर्क करता है. लाइक इसको अप्लाई करने के बाद अगर हम पानी वगैरह भी पीते हैं तो भी लिप्स हाइड्रेटेड फील होते हैं डेफिनेटली. एंड ऑल्सो आप इसे अपने लिपस्टिक के अपर लेयर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से शाइन प्रोवाइड करता है. सो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऐसा लिप ग्लॉस टिंट चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको वन ट्राई दे सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज दिस इज अ क्लियर लिप ग्लॉस बाय पॉपेक्सो लिप ग्लॉस. सो इसके अंदर शेयर पार्टिकल है, ग्लिटर वाले पार्टिकल है. लाइक ग्लिटर वाले पार्टिकल, आई डोंट नो आपको दिख रहा है, ग्लिटर वाले इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स हैं एंड ये भी लिप्स को हाइड्रेट करता है एंड ये एक क्लियर लिप ग्लॉस है. सेम एज रिने का भी है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं. बाय द वे ये अच्छा वर्क करता है. इसको मैं लगाती हूँ, ये हमेशा मेरे बैग में रहता है. बहुत डीपली लिप्स को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो एक ना ब्यूटीफुल सी शाइन प्रोवाइड करता है. तो इसलिए मुझे ये पसंद है क्लियर वाला. इसके टिंटेड वाले मुझे इतने खास पसंद नहीं है बट ये वाला मुझे पसंद आया है. देन ये है रिकॉर्ड का लिप एंड चिक टिंट एंड
ये कुछ इस तरीके की ना डिब्बी वाली पैकेजिंग में आता है। तो सबसे पहले मुझे इसकी पैकेजिंग पसंद नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको फिंगर डाल के अप्लाई करना पड़ता है, तो वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि लिप चिप टिंट जो भी हो वो एप्लीकेटर के साथ आनी चाहिए, क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है अप्लाई करना, बार बार आप उसे यूज़ कर सकते हो। बट इसे क्या है कि आपको ओपन करना है देन अप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरीके का टिंट है एंड नो डाउट ये टिंट काफ़ी अच्छा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना पिंक शेड है। लाइक आप इसे लिपस्टिक की जगह भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप इसे ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इनका टिंट पसंद आया, बट मुझे इसकी पैकेजिंग कुछ खास नहीं लगी। बट टिंट अच्छा है एंड मॉइस्चराइज रहता है, बट काफ़ी ज़्यादा डीप मॉइस्चराइज नहीं करता है एंड कोई ग्लॉस प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके लिप्स पर एक हल्का सा टिंट शेयर सा फील होता है। बस दैट्स इट। जो नेक्स्ट है वो है ये। सो ये है पिलग्रिम का स्क्वालिन बबल गम लिप बाम। सो इसके अंदर डेफिनेटली बबल गम जैसी फ्रेग्रेंस है एंड अगेन ये डिब्बी के साथ आता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि मुझे फिंगर से अप्लाई करना पसंद नहीं है लिप बाम और लिप टिंट। सो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि इनको पैकेजिंग चेंज करनी चाहिए, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग लिप बाम है। आप इसको डेफिनेटली वन ट्राई दे सकते हैं एंड बहुत ही ना शेयर सा टिंट प्रोवाइड करता है। लाइक 2-3 times आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही कम, मतलब इतना कोई खास टिंट आपके लिप्स पर प्रोवाइड करेगा नहीं। एंड अगर आपके थोड़े से वो ब्लैक पिगमेंटेड लिप्स हैं तो डेफिनेटली ये तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन या अगर आपके थोड़े से पिंकी लिप्स हैं तो आप उस पर लगा सकते हैं। बहुत ही हल्की सी शाइन प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो लिप्स को हाइड्रेट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो है वो ये डॉट एंड की के 3 tinted लिप बाम है। सो ये तो डॉट एंड की ने लिप बाम पहले लॉन्च किए थे। सो ये है डॉट एंड की का लिप बॉस लिप बाम विटामिन सी प्लस ई SPF 30। सो ये SPF 30 यानी कि सन प्रोटेक्शन के साथ आता है, आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करता है, ऐसा इनका क्लेम है। इसमें जो 2 shades हैं ये है वाटरमेलन रश एंड दूसरा है कोको मिंट। सो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हाइप लिप बाम है, बट मुझे ऐसे कोई खास लगे नहीं, मतलब मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया ये दोनों ही जो लिप बाम है। सबसे पहले तो इनकी पैकेजिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी एंड ऑल्सो ये बहुत अच्छे से वर्क भी नहीं करते हैं एंड इनका कलर, ओ माई गॉड, मतलब बहुत ही अजीब सा कलर, आई डोंट लाइक। लाइक आपको इस तरह से निकालना पड़ता है एंड सी लाइक इस तरीके के हैं ये एंड फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मुझे खास पसंद नहीं आई डॉट एंड की लिप बाम मुझे पसंद नहीं आए। एंड ये वाला शेड दिखा देती हूँ मैं आपको। सो ये कुछ इस तरीके का है, ओ माई गॉड, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे टैक पिंक कलर हैं। मुझे एक तो इनके अंदर जो कलर ऐड है उसकी वजह से शायद थोड़ी सी इरिटेशन होती है, क्योंकि जब भी मैं ऐसे कोई कलर बहुत ज़्यादा कलर टिंटेड और फ्रेग्रेंस वाले लिप बाम लगाती हूँ तो मेरे लिप्स बहुत ही ज़्यादा चैप्ड और ड्राई फील होते हैं, तो मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आए। एंड रिसेंटली डॉट एंड की ने ये वाला लिप एंड चिक टिंट लॉन्च किया है। सो ये है SPF 50 PA+++ UVA+UVB बैरियर रिपेयर सेरामाइड एंड पेप्टाइड लिप बाम। इसमें जो मेरा शेड है वो है ब्लश पिंक। सो ये इनका आई गेस न्यू लॉन्च है, मैंने भी ट्राई नहीं किया, लेट्स सी कैसा होता है, क्योंकि पहले तो मुझे पसंद नहीं आया। सो या पैकेजिंग इज क्वाइट क्यूट, पैकेजिंग मुझे काफ़ी सही लगी है, लाइक विद एप्लीकेटर, मतलब इस तरीके का एप्लीकेटर आपको मिल जाता है। एंड इसमें जो शेड आप देख सकते हैं, इसके अंदर ही बहुत ही ना फ्रेश सी फ्रेग्रेंस है, फ्रूटेड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है एंड टिंट भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, लाइक पहले वाले से मच बेटर है, काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मुझे एंड आई थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है एंड ऑल्सो ये आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो इफ़ यू हैव पिगमेंटेड लिप्स और ड्राई चैप्ड लिप्स तो डेफिनेटली आप इस वाले को ट्राई कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जो दो लिप एंड चिक टिंट है वो ये दोनों हैं। सो अगेन ये इस तरीके के डिब्बे में आते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे पसंद नहीं है। सो ये है 7 Seas का प्रो ब्यूटी फ्रूटी बीटरूट शाइन PH वेगन लिप बाम। सो ये कुछ इस तरीके की ना कैसी बताऊँ, इस तरीके की ना बॉक्स में आता है एंड ये इस तरीके का टिंटेड लिप बाम है। एंड एक बात बताऊँ, इसकी पैकेजिंग कैसी भी हो बट ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ना लाइट सा टिंट है इसके अंदर, बहुत ही लाइट सा, मतलब आपको दिख तो रहा है, 2-3 बार अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको टिंट दिखेगा, बट बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। मुझे 7C का ये वाला टिंट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आपके लिप्स को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट एंड काफ़ी मॉइस्चराइज रखता है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये एक इंस्टाग्राम स्टोर ने मुझे भेजा था, ये है MI का लिप चिक एंड आई टिंट। सो आप इसे अपने चिक्स पर भी लगा सकते हैं, लिप्स पर भी लगा सकते हैं, आई पर भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके के डिब्बे की पैकेजिंग में आता है एंड शेड आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्राउनिश मरून काइंड ऑफ शेड है। तो मैं आपको उसका स्वॉच दिखा दूँ, ओ माई गॉड, ये तो पूरा लिपस्टिक का ही काम करेगा, ये टिंट कहाँ है। एंड कलर काफ़ी ज़्यादा मतलब
काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड है जो कि मैं अप्लाई नहीं करती जनरली लिप और चिक टिंट के अंदर, बट डेफिनेटली मैं इसे लिप्स पर नहीं बट आईज़ एंड चिक्स पर लगाकर फिनिश कर दूंगी। वैसे मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया है, ऑलमोस्ट 6 मंथ से ऊपर हो चुका है ये मेरे पास है, बट मैं अभी इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो मुझे ये उतना खास लगा नहीं क्योंकि इसका शेड एक तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है एंड ऑल्सो इसका जो फॉर्मूला है वो उतना हाइड्रेटिंग फील नहीं हुआ मुझे। नेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइक 1500 के अप्रॉक्स लिप एंड चिक टिंट है, लाइक लिप ग्लॉस। सो माय मोस्ट एक्सपेंसिव लिप ग्लॉस एंड लिप टिंट, सो ये है फ्लर्ट का लिप केयर डे। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं, लिप ऑयल, लिप ग्लॉस एंड लिप टिंट। सो पैकेजिंग इसकी अमेजिंग है। तो पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती है, यहाँ से आपको ओपन करना होता है। हाईली रिकमेंड करूँगी गाइज, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, लाइक लिटरली सॉरी बहुत ही अच्छा वर्क करता है, लाइक लिटरली बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो ये इनका लिप ऑयल है जो कि बिल्कुल क्लियर लिप ऑयल है। देन यहाँ पे देन ये है आपका लिप और चिक टिंट आपको मिल जाता है जो कि कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा कलर आपको मिलता है। सो ये वाले जो लिप टिंट का शेड है वो अगेन स्विस ब्यूटी वाले लिप ग्लॉस से मैच करता है एंड फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है। देन आपको यहाँ पर मिल जाता है लिप बाम, क्लियर लिप बाम मिल जाता है। सो ये 3-in-1 प्रोडक्ट है एंड इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1500 रुपीज़। आई नो थोड़ा कॉस्टली है, आई नो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट आई थिंक ये परफेक्ट लिप चिक टिंट ट्रायो है, आप डेफिनेटली इसको 1 try दे सकते हैं। सो या गाइस, ये थे मेरे कुछ लिप एंड चिक टिंट जो कि मुझे पसंद आए और कुछ नहीं पसंद आए जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा पसंद है, आप कौन सा लिप एंड चिक टिंट ट्राई करते हैं एवरी डे डेली बेसिस पर बाहर जाते वक्त, क्योंकि बाहर जाते वक्त मोस्टली लोग लिपस्टिक अवॉइड करते हैं, लिप एंड चिक टिंट हमेशा उनके बैग में रहता है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।